डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। ये हमने देखा, रास्ते में हमको बच्चों ने दिखाया, वो कह रहे हैं कि मैं पूरे हिंदू को नहीं कह रहा हूं, और नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये ही पूरे हिंदू नहीं है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बात कह रहा हूं तो उसको हिंदू समाज के ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ठीक है, उन्होंने ये बात तो स्पष्ट ही कर दी कि हम पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं कह रहे हैं। और दूसरे, उन्होंने शिव जी का चित्र दिखा करके ये बताया कि वो क्षमाशील हैं और कठिनाइयों में भी दृढ़ रहने का की प्रेरणा उनसे हमको मिलती है, और वो शिव जी हमारे देवता हैं, तो वो प्रेरणा हमें भी मिली हुई है। जो हिंसक है सर्प, वो भी हमारे गले में लिपटा रहता है, हम उसको भी नहीं छेड़ते, उसको भी नहीं मारते, तो दूसरे को क्या मारेंगे। तो इसलिए शिव जी की जो छवि दिखा दी उन्होंने, इससे स्पष्ट हो गया, हिंदू का पूरा चरित्र सामने आ गया कि हिंदू जो है वो अपनी प्रकृति में रहता है, वो किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं। लेकिन गुरु जी, हिंदू हिंसा की इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, वो तो पूरा वो ट्रेंड चल गया है विरोध करने का। नहीं, ट्रेंड तो चलता है, तो राजनीतिक माहौल है ना, तो राजनीतिक दल से जो लोग संबद्ध होते हैं या प्रतिपक्ष के होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को चलाते हैं, तो जिसकी टीम बड़ी होती है उसका ज्यादा चलने लगता है, जिसकी टीम छोटी होती है कम चलता है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा कहना यह है कि ये राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, माने दोनों की पार्टियां हों, दोनों जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, असल में इसमें से कौन हिंदू हितैषी है ये निकालने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि इनमें से अगर कोई हिंदू हितैषी होता तो गौ रक्षा की बात सबसे पहले करता, और अभी तक किसी पार्टी ने, 75 साल हो गए राज कर, सबने कर लिया, राहुल गांधी की पार्टी ने भी राज कर लिया है और नरेंद्र मोदी की पार्टी तो कर ही रही लगातार, कितने सालों से, 15 साल से ज्यादा हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में गौ हत्या आज तक नहीं रुकी है, इसका मतलब है कि अभी तक हिंदू हितों को समझने वाली, हिंदू पीड़ा को दूर करने की इच्छा रखने वाली कोई पार्टी अभी तक संसद में गई ही नहीं है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब इस बारे में हम लोगों को कमर कसना होगा, अगर यह अंतिम मौका है जो नई संसद बनी है उसके लिए, ये लोग गौ रक्षा का बिल ला करके गौ हत्या को रोक दें, नहीं तो हिंदू, सच में भारत का हिंदू अब कमर कसने वाला है कि अब हम ऐसे हिंदुओं को ही संसद में भेजेंगे जो सबसे पहले वहां जाकर के गौ रक्षा का काम करेंगे। तो ये इनके पास मौका है, चाहे तो ये गौ रक्षा का बिल ला करके उसको पास करें ताकि हम इनको हिंदू हितैषी समझें, और नहीं तो हम जान चुके हैं कि इनमें से अभी तक किसी ने परीक्षा पास नहीं की है, ये कोई हिंदू हितैषी नहीं है। लेकिन गुरु जी, जिस तरह विरोध हो रहा है, चाहे संत समाज हो या फिर सनातनी हो, हिंदू हो, लगातार उनके विरोध हो रहा है। देखिए, आप ये देखिए कि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो निष्पक्ष लोग हैं, वो तथ्य की बात कहने वाले लोग हैं कि पिछलग्गू हैं, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर पिछलग्गू प्रकृति के लोग हैं तो वो तो अपने नेता हुआ 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 एक सीआर बोलता है तो सारे सीआर बोलने लगते हैं, और जो तथ्य की बात कहता हो, निष्पक्ष होकर के बोलता हो, अगर ऐसे कोई लोग बोल रहे हैं तो उनकी बात का ध्यान अपने को देना चाहिए। आप कैसे देखते हो उनके? हम देखते हैं कि ये सब राजनीति है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने ये कहा कि इनकी हिंदू हितैषी होने की परीक्षा यही है कि ये गौ हत्या गौ रक्षा का बिल लेकर के आ जाएं। देखते हैं, राहुल गांधी लेके आए ना, हम उनको हिंदू हितैषी मानेंगे, लेकिन वो नहीं लाते हैं, और नरेंद्र मोदी तो 10 साल से बैठे हैं, ला ही नहीं पाए आज तक, तो हम किसको माने हिंदू हितैषी, बताओ।